हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल यूनिक एविएशन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एयरक्राफ्ट पर लगने वाले टर्न्स की। ठीक है, एयरक्राफ्ट जब टर्न करेगा तो उसका उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा, उस पर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट करते हैं और ये इतना ज्यादा जरूरी क्यों है। जब भी हम एयरक्राफ्ट की बात करते हैं तो उसमें टर्निंग को जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसको हम बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक कंडीशन इमेजिन करते हैं कि आज तक, क्योंकि हम यही पढ़ते आए हैं कि एयरक्राफ्ट हमारा क्या है, लेवल एंड स्ट्रेट फ्लाइट में है, यानी बिल्कुल सीधा चल रहा है और एकदम यूनिफॉर्म स्पीड में चल रहा है, ना तो उसकी स्पीड बढ़ रही है ना घट रही है, बल्कि सेम स्पीड से वो कंटिन्यू चलता चला जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आप मुझे ये बताइए कि लिफ्ट और वेट के क्या डायरेक्शन होंगी। ठीक है, तो लिफ्ट क्या होगा, बिल्कुल एकदम सीधा लग रहा होगा क्योंकि एयरक्राफ्ट एकदम सीधा है और वेट जो है बिल्कुल सीधा लगेगा। ठीक है, वेट हमेशा सीधा लगेगा, क्यों, क्योंकि वेट जो है वो अर्थ की प्रॉपर्टी की वजह से खींच रहा है, ग्रेविटी की वजह से खींच रहा है और ग्रेविटी किसी भी चीज को अपनी तरफ वर्टिकली खींचती है, यानी 90 डिग्री पर खींचती है, बिल्कुल एकदम सीधा सीधा। ठीक है, अब अगर आप इस एयरक्राफ्ट को थोड़ा सा बैंक कर दीजिए तब भी वो अर्थ की तरफ सेम ही डायरेक्शन में खींचेगा, यानी आपका जो वेट है बिल्कुल सीधा लगेगा। लेकिन एयरक्राफ्ट का लिफ्ट जो है, क्योंकि एयरक्राफ्ट का लिफ्ट क्यों कैसे प्रोड्यूस होता था, उसके विंग्स की वजह से प्रोड्यूस होता था, राइट, और इसी विंग्स पर बहुत ढेर सारे एरोफॉइल्स हुआ करते थे जो एक साथ कंट्रीब्यूट करके एक रिजल्टेंट लिफ्ट बनाते थे, करेक्ट, जिसको हम सेंटर ऑफ प्रेशर कहते थे उस पॉइंट को। अब एयरक्राफ्ट जब बैंक कर जाएगा, यानी ऐसे आप एयरक्राफ्ट को अगर घुमाना चाहते हैं, जैसे आप अपनी गाड़ी या अपनी मोटरसाइकिल भी अगर जमीन पे घुमाते हैं तो क्या होता है, वो ऐसे थोड़ी घूम जाता है, वो क्या करता है, एक पूरा गोला बनाता है और गोला बना के घूमता है, राइट। तो ऐसे ही एयरक्राफ्ट को भी अगर आप घुमाना चाहते हैं तो एयरक्राफ्ट को क्या करना पड़ेगा, बैंक करना पड़ेगा, यानी उसको ऐसे इस तरह से घुमाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से वो जाएगा। क्यों ऐसा है, क्योंकि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, अगर कोई चीज स्ट्रेट एंड लेवल चीज में है, स्ट्रेट एंड लेवल फ्लाइट में है, चाहे वो फ्लाइट हो चाहे आपका कोई यूनिफॉर्म मोशन में कोई ऑब्जेक्ट हो, जो यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म डायरेक्शन में हो, ऐसे केसेस में अगर आपको उसको पाथ से हटाना है तो उस पाथ से हटाने के लिए आपको कोई एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ेगा। ठीक है, और जब हम एयरक्राफ्ट को बैंक कर देते हैं इस तरह से, यानी एक विंग को नीचे और दूसरे विंग को ऊपर कर देते हैं, तो ऐसा करते कैसे हैं, पहली बात तो ये, तो ऐसा करने के लिए आपका जो कंट्रोल स्टिक होता है, जो कॉकपिट में कंट्रोल योक या कंट्रोल स्टिक होता है, जब उसको आप ऐसे लेफ्ट राइट करेंगे ना, तो जिस तरफ आप उसको करेंगे एयरक्राफ्ट भी उसी तरफ ऐसे घूम जाएगा। ठीक है, एक विंग नीचे चला जाएगा, दूसरा विंग ऊपर चला जाएगा। यहां पर आपके जो ट्रेलिंग एजेस होते हैं ना, उसके एंड में, यहां पर दोनों ही एंड में एलिरॉन्स लगे होते हैं, वो एलिरॉन्स का ऑप्शन जो ऑपरेशन होता है वो अपोजिट होता है, एक ऊपर जाएगा तो एक नीचे जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही एयरक्राफ्ट का एयरक्राफ्ट की योग से उसको लेफ्ट या राइट, जिस जो भी टर्न आपको लेना है, जैसे ही आप उस तरफ करते हैं, एयरक्राफ्ट क्या करता है, बैंक कर जाता है और एक विंग नीचे और दूसरा विंग ऊपर हो जाता है। देखिए, अब इसको करने से होगा क्या, ऐसा करने से पहली चीज जो ये बदलेगी कि वेट तो वैसा ही सीधा लगेगा, बट जो आपका एयरक्राफ्ट का लिफ्ट है ना, पहले जब एयरक्राफ्ट ऐसा था तो बिल्कुल ऐसे था, अब एयरक्राफ्ट घूम गया तो देखो लिफ्ट भी चेंज हो गया, लिफ्ट भी कैसा हो गया, इस तरह से हो गया। ठीक है, अब एयरक्राफ्ट का लिफ्ट जो है वो टेढ़ा हो गया, तो वेट को कौन बैलेंस करेगा, तो एयरक्राफ्ट का जिन लिफ्ट जैसे ही टेढ़ा होता है, तो ऐसा तो है नहीं कि इस डायरेक्शन में नहीं लग रहा होगा, लग तो रहा ही होगा, तो जो कंपोनेंट लिफ्ट का बिल्कुल सीधा होगा, यानी जो वेट को हैंडल कर रहा होगा, उस कंपोनेंट को बोलेंगे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द लिफ्ट, और जो कंपोनेंट ऑफ द लिफ्ट इस तरह इस डायरेक्शन में हो जाएगा, यानी प्लेन की डायरेक्शन में आ जाएगा, उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द लिफ्ट, यानी कि जो आपका लिफ्ट है वो दो पार्ट में टूट गया, वर्टिकल कंपोनेंट जो सीधा है और जो इस तरह से आ गया प्लेन के एंगल में, ये वाला जो आपका आ गया, इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब सेम ही लिफ्ट है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मानिए कि आपके एयरक्राफ्ट का वेट 100 केजी था, तो 100 केजी के बराबर पहले ऐसे लिफ्ट लग रहा होगा, ठीक है, एकदम स्ट्रेट एंड लेवल था, मतलब सेम ही लग रहा होगा, अगर 100 केजी नीचे था तो 100 केजी ही ऊपर होगा, करेक्ट है। अब ये 100 केजी में से आपका जब एयरक्राफ्ट तिरछा हुआ तो कुछ 100 केजी में से कुछ तो इधर चला गया इस तरफ, लिफ्ट वेट तो बिल्कुल सेम है, वेट तो नहीं चेंज होगा, बट लिफ्ट जो है कुछ ही यहां रह गया और कुछ यहां चला गया, तो मान लो 80 और 20 हो गया, तो ऊपर कितना रह गया 80 और इधर कितना आ गया 20, क्योंकि अब एयरक्राफ्ट ऐसे टर्न करेगा, यानी इस तरह से एयरक्राफ्ट जाएगा, तो एयरक्राफ्ट अगर इस तरह से जाएगा तो क्या करेगा, एक पूरा गोला बना लेगा, तो यानी कि हम इस गोले का रेडियस वेडियस भी मान सकते हैं कि नहीं मान सकते। तो एयरक्राफ्ट जैसे ही टर्न करा, यानी एयरक्राफ्ट ने जैसे ही बैंक किया, तो ऑब्वियसली ये क्योंकि ऐसे घूम रहा है गोल गोल सर्कल में घूम रहा है या रोटेट कर रहा है, तो हम इसको एंगल्स में नाप सकते हैं, तो इसको क्योंकि इसने बैंक किया और एंगल्स में आप नाप सकते हैं, तो जितना भी डिग्री ये बैंक करेगा उसको बोलेंगे इस एयरक्राफ्ट का बैंक एंगल। ठीक है, अब ये बैंक एंगल आप याद रखना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एयरक्राफ्ट का बैंक एंगल है, एयरक्राफ्ट को आपने बैंक किया, जितना ज्यादा आप एयरक्राफ्ट को बैंक करेंगे, जितना ज्यादा एयरक्राफ्ट को आप बैंक करेंगे, आपका ये वाला कंपोनेंट उतना ज्यादा बढ़ेगा, और जितना ज्यादा आपका ये वाला यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बढ़ेगा, वर्टिकल कंपोनेंट घट जाएगा, क्योंकि ओवरऑल तो लिफ्ट फिक्स था 100 में से आप अगर जितना ज्यादा इधर निकालोगे ऊपर वाला क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब क्या होगा,
अब ऊपर वाला कम होगा तो इससे क्या होगा, जैसे आप मान लीजिए एयरक्राफ्ट एकदम सीधा रहा था, आपने इसको बैंक किया, जैसे ही बैंक किया इधर एक कंपोनेंट आया, ऊपर एक कंपोनेंट आया, बट आपका वेट कांस्टेंट है, वेट 100 केजी ही है, ऊपर वाला कंपोनेंट कम हो गया तो एयरक्राफ्ट टर्न तो हो गया बट क्या होगा, नीचे जाने लगेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला कंपोनेंट जो वेट को हैंडल कर रहा था वो क्या हो गया, आप पहले से कम हो गया। और जब एयरक्राफ्ट का ऊपर वाला कंपोनेंट यानी जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द लिफ्ट है वो कम हो जाएगा तो एयरक्राफ्ट क्या होगा, नीचे जाने लगेगा। ठीक है, अब एयरक्राफ्ट जैसे ही नीचे जाने लगेगा पायलट को क्या करना पड़ेगा, लिफ्ट बढ़ाना पड़ेगा ना, ताकि उसको लेवल रखे। तो वो लिफ्ट बढ़ाएगा कैसे, दो तरीके। पहला, एंगल ऑफ अटैक बढ़ा दे। एंगल ऑफ अटैक बढ़ाने के लिए क्या करेगा, एलिवेटर को खींचेगा और एयरक्राफ्ट को थोड़ा सा नोचअप कर देगा। जैसे ही नोचअप करेगा आपका एंगल ऑफ अटैक बढ़ जाएगा, एंगल ऑफ अटैक जैसे बढ़ेगा क्या होगा, फिर से एयरक्राफ्ट ऊपर आने लगेगा। लेकिन जैसे ही एंगल ऑफ अटैक को बढ़ाएगा क्या होगा, एयरक्राफ्ट पर ड्रैग भी बढ़ जाएगा। आप याद करिए मैंने आपको पढ़ाया था, तो एयरक्राफ्ट पर ड्रैग बढ़ेगा तो क्या होगा, फिर से एयरक्राफ्ट पर लिफ्ट थोड़ी थोड़ी कम होगी। तो उसको क्या करना पड़ेगा, एयरक्राफ्ट की स्पीड भी बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, ताकि एयरक्राफ्ट की स्पीड बढ़ाने से भी लिफ्ट बढ़ जाता है, तो एयरक्राफ्ट की स्पीड भी थोड़ा बढ़ा देगा ताकि आपका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो पूरी तरह से वेट को हैंडल कर सके और एयरक्राफ्ट नीचे ना जाए, बल्कि लेवल टर्न करे। ऐसा ना हो कि ऐसा टर्न कर रहा है, ऐसे ऐसे नीचे चलाता जा रहा है। ठीक है, तो यानी जब वो टर्न करे तो बिल्कुल लेवल पे करे, एक लेवल पर करे। ठीक है, अब देखिए इससे होगा क्या, इससे इफेक्ट क्या पड़ेगा। जब एयरक्राफ्ट पर एंगल ऑफ अटैक बढ़ा गया तो ड्रैग बढ़ गया। ठीक है, जब एयरक्राफ्ट की स्पीड बढ़ाई जाएगी तो क्या होगी, फिर से इमेजिन करिए आप मोटरसाइकिल अपनी, मान लीजिए आप एक टर्न पर मोटरसाइकिल घुमा रहे हैं, पहले आप 20 की स्पीड में मोटरसाइकिल को घुमाइए। ठीक है, फिर उसी टर्न पर 50 की स्पीड से मोटरसाइकिल को घुमाइए, तो आप ये पाएंगे कि 20 की स्पीड में आप इजिली टर्न कर जा रहे थे। ठीक है, बहुत ही कम जगह में आप ऐसे टर्न कर जा रहे थे, बट जब आपकी स्पीड बढ़ा दी गई ना तो आपका टर्न करने का दूरी भी बहुत ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, अब इतनी जल्दी आप मैनूवर नहीं कर सकते, अब आपको दूर तक जाना पड़ेगा। यानी कि जब एयरक्राफ्ट की स्पीड बढ़ाई जाती है तो रेडियस ऑफ टर्न, अब क्या है, एयरक्राफ्ट अगर ऐसे पूरा गोल का एक सर्कल बना ले, गोल गोल घूमेगा तो क्या होगा, सर्कल बनेगा, उस सर्कल का कुछ रेडियस भी होगा, तो वो रेडियस अगर आपकी स्पीड कम है तो आप इजिली उसको अचीव कर सकते हैं, आप घूम सकते हैं, बट अगर आपकी स्पीड बढ़ा दी जाए तो आपका क्या होगा, रेडियस ऑफ टर्न बढ़ जाएगा, अब आपको लंबी दूरी तय करके ऐसे गोल गोल घूमना पड़ेगा। ठीक है, तो ये फर्क होता है कि जब भी कभी पायलट को बैंक करना होता है तो उसको ध्यान रखना होता है कि बैंक एंगल कितना रखा जाए कि एयरक्राफ्ट की सेटिंग ना बिगड़े और एयरक्राफ्ट अपने पाथ पर पूरी तरह से टर्न हो जाए। तो ये बात हो गई। अब एयरक्राफ्ट के पायलट को ये हमेशा ध्यान रखना होता है इस बात का कि जब भी वो टर्न कर रहा है तो एयरक्राफ्ट को बहुत अच्छे से टर्न कराया जाए। ठीक है, और उस अच्छे से टर्न को हम बोलते हैं गुड टर्न। ठीक है, एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं गुड टर्न। ठीक है, एयरक्राफ्ट बहुत अच्छे से टर्न किया गया, और गुड टर्न कब माना जाएगा एयरक्राफ्ट को, जब एयरक्राफ्ट का नोच और एयरक्राफ्ट का टेल सेम पाथ को फॉलो करते हुए टर्न करे। यानी अगर एयरक्राफ्ट को यहां से यहां जाकर के ऐसे टर्न करके इधर निकलना है बिल्कुल सीधे, तो एयरक्राफ्ट जाए तो उसका नोज अगर यहां से होकर के गया है तो उसका टेल भी सेम जगह से होकर जाए। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि जब आप मोटरसाइकिल घुमाते हैं तो क्या होता है, मोटरसाइकिल अगर आप थोड़ा भी ज्यादा झुका दीजिए ऐसे बहुत ज्यादा, तो आप क्या करेंगे, वहीं गिर जाएंगे, और अगर कम झुकाया तो क्या होगा, आप ऐसा पता चलेगा कि मोड़ के बाहर ही निकल गए। ठीक है, मुड़ ही नहीं पाए। तो ये दोनों कंडीशन एयरक्राफ्ट के साथ भी हो सकती है, तो क्योंकि वो हवा में है तो उसमें कोई ये प्रॉब्लम नहीं है कि आप सड़क से बाहर चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन इनको हम टेक्निकली क्या बोलते हैं, जब एयरक्राफ्ट टर्न कर रहा है और सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा हो गया। ठीक है, ये फोर्स जो अंदर की तरफ आ रहा था उसको हम क्या कहते थे, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जब सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा हो जा रहा था, क्योंकि ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसी को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कह रहे हैं। ठीक है, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, अगर ये बहुत ज्यादा हो जाएगा मोड़ते टाइम, अगर बहुत ज्यादा बैंक कर दिया तो क्या होगा, एयरक्राफ्ट का नोज जो है ना वो कोई और पाथ फॉलो करेगा और टेल ऐसे ही चलाएगा, ऐसे ऐसे घूम जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई आपने जो है टर्न करते टाइम सेंट्रीपिटल फोर्स बहुत ज्यादा कर दिया। अब न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई अंदर की तरफ फोर्स है तो उसका इक्वल एंड अपोजिट बाहर की तरफ भी कोई फोर्स होगा, तो जो फोर्स बाहर की तरफ लगेगा उसको हम बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और जो अंदर की तरफ है वो सेंट्रीपिटल, बाहर की तरफ सेंट्री फ्यूगल। तो अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा और बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल। तो जब अंदर वाला फोर्स ज्यादा होगा और एयरक्राफ्ट अंदर की तरफ भागने लगेगा तो इसको बोलते हैं स्लिपिंग टर्न, यानी एयरक्राफ्ट क्या कर रहा है, स्लिप कर रहा है टर्न करते टाइम। ठीक है, इसी तरह से जब एयरक्राफ्ट टर्न कर रहा है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा हो गया और ये बाहर की तरफ स्किड करता हुआ टर्न कर रहा है। ठीक है, यानी आपका नोज जो है अंदर है लेकिन टेल की ऐसा ऐसा कुछ बाहर, इस तरह से स्किड करते हुए टर्न कर रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो इस टर्न को बोलते हैं स्किडिंग टर्न। ठीक है, तो जब सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा होगा तो एयरक्राफ्ट स्लिप करेगा, जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा होगा तो एयरक्राफ्ट स्किड करेगा। ठीक है, तो ये दो टर्म जानना बहुत ज्यादा जरूरी था। हालांकि इसमें हर चीज जानना जरूरी है, पर ये कुछ बातें ध्यान रखना है, जैसे स्लिपिंग कब होगा, स्किडिंग कब होगा, फिर आपको ये ध्यान रखना है एयर स्पीड अगर आप बढ़ाएंगे तो रेडियस ऑफ टर्न बड़ा हो जाएगा, यानी आपको ज्यादा दूरी कवर करके घूमनी पड़ेगी। अगर आपका स्पीड कम रहेगा तो आपका रेडियस ऑफ टर्न घट जाएगा,
एंगल ऑफ अटैक बढ़ाएंगे तो ड्रैग बढ़ेगा, एयर स्पीड बढ़ाएंगे तो रेडियस ऑफ टर्न बढ़ जाएगा, ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। और इतना ही है आपके एयरक्राफ्ट के टर्न में, ठीक है। अगर आपका एयरक्राफ्ट टर्न कर रहा है तो इतने ही फोर्सेस जो है एयरक्राफ्ट पर एक्ट करते हैं, और इन चीजों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अगर इसमें से कोई भी चीज आपको नहीं समझ में आई हो तो आप प्लीज वीडियो पर कमेंट कर दीजिए, हम उसको क्लियरिफाई करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कर दीजिए, बहुत ढेर सारे लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि सबको बेनिफिट मिल सके। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। थैंक यू।